गाइस मैं महफूज बीर आलम। गाइस क्या आप जानते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं गाइस कि आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। मतलब इंटरनेट की प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग एक एड्रेस एक यूजर को दी जाती है जो उस सेवा को लेता है। सपोज आपने किसी इंटरनेट की कनेक्शन किसी कंपनी की अपने घर पे लगाई है, तो आपको वो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेंगे, एक आईपी एड्रेस देंगे। वो आईपी एड्रेस क्या होगी, उसमें आपका लोकेशन, जिस लोकेशन पे आप बैठ के यूज करें वो कस्टमाइज हो जाती है। एग्जैक्टली कहाँ से उसको एक्सेस किया जा रहा है, आप नेट को कहाँ से एक्सेस कर रहे हैं, वो कस्टमाइज हो जाता है उस आईपी एड्रेस में। इसीलिए आईपी एड्रेस से हम किसी के भी लोकेशन का पता लगा सकते हैं जहां से वो आईपी एड्रेस एक्सेस की जा रही है। सो आईपी एड्रेस एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, एक टेक्निकल एड्रेस है। जिस तरीके से आपका एक घर का एड्रेस होता है, उसी तरीके से आईपी एड्रेस भी एक लोकेशन का एड्रेस है जिस लोकेशन पे उस कनेक्शन को उस वक्त में एस्टैब्लिश किया जाता है उस यूजर के द्वारा जो उसकी सेवा को उठा रहा है। आप सभी के पास आईपी एड्रेस होगा, हर एक की इंटरनेट की कनेक्शन की एक आईपी एड्रेस होती है, आपके ऑफिसेज में होंगे, आपके घरों पे होंगे। सो गाइस आप देखा होगा जैसे 192.168 जो भी आईपी एड्रेस आपका होता है, क्या आपको पता है गाइस कि इंडिया में सबसे पहले आईपी एड्रेस जो थी वो कौन सी थी? सबसे पहले इंडिया की आईपी एड्रेस जो थी वो 144.16.0.0 थी, जो कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि दिल्ली और मुंबई के बीच में जो सबसे पहले लीज लाइन बनाई गई थी इंटरनेट के लिए, उसमें इस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। इंडिया की जो सबसे पहले आईपी एड्रेस थी वो 144.16.0.0 थी, जो कि एक क्लास बी की आईपी एड्रेस थी। सो गाइस मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको और भी किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आगे। सो गाइस प्लीज मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, और आगे की सारी वीडियोस देखने के लिए गाइस मुझे प्लीज अपने कमेंट से इनकरेज करते रहें। आपका कमेंट हमें